हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण है। मैं RVM कैड में रोबोटिक्स की ट्रेनिंग करवाता हूँ, CNC की भी ट्रेनिंग कराता हूँ। ये हमारे पास फानुक 6 एक्सिस रोबोट है। इसका मॉडल है फानुक रोबोट R2000i। 6 एक्सिस मीन्स इसमें 6 जॉइंट्स हैं जो 6 पर्टिकुलर एक्सिस पे वर्क करता है और 6 सर्वो मोटर्स लगी हुई हैं। ये इसका टीच पेंडेंट है। टीच पेंडेंट मीन्स इसको पहले टीचिंग करते हैं कि जो जो इसने वर्किंग करनी है, जिस जिस पॉइंट्स पे ट्रैवल करना है उसके अकॉर्डिंग। 6 जॉइंट्स में आपको समझा देता हूँ। जो फानुक 6 एक्सिस रोबोट है, ये जो फर्स्ट मूवमेंट है इसको बोलते हैं J1। J1 मतलब जॉइंट 1। देखो यहाँ पे मेंशन भी है इस रोबोटिक्स में, J1 प्लस किधर जाएगा, माइनस किधर जाएगा। ये सेकंड जो है ये वाला हो गया J2, मतलब जॉइंट 2 सेकंड एक्सिस। ये थर्ड हो गई आपकी J3, जॉइंट 3। ये मूवमेंट हो गई फोर्थ, J4। ये मूवमेंट हो गई फिफ्थ, J5। ये मूवमेंट हो गई J6, 6 एक्सिस। ऐसी सीक्वेंस वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 एक्सिस का फानुक इंडस्ट्रियल रोबोट है। जो हमारे एप्लीकेशंस क्या क्या यूज़ होती हैं इसमें, मिग वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग, पिक एंड ड्रॉप। जैसे हम अपने हाथ का पेंट शॉप में यूज़ करते हैं पेंट करने के लिए, मिग वेल्डिंग करने के लिए, पिक एंड ड्रॉप कुछ उठा के इधर उधर रखने के लिए, स्प्रे, जैसे कोई भी गाड़ी हमारी पेंट हो रही है, बाइक बन रही है, कार बन रही है, वो पेंट हो रही है, वहाँ पे पेंट शॉप में यूज़ होता है ये। ऐसे ही इसका हम 3 सेटअप कराते हैं, स्पोर्ट वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, पिक एंड ड्रॉप। ये जो हमारा सेटअप लग रहा है, ये मशीन, ये स्पोर्ट वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग है, वो वाली सेटअप हमारा स्पोर्ट वेल्डिंग है, और यहाँ पे हमारा पिक एंड ड्रॉप है। जब हमें जिसका यूज़ करना होता है, हम फिक्सचर चेंज करते हैं। अभी मिग वेल्डिंग का सेटअप लगा हुआ है, इस मिग वेल्डिंग का फिक्सचर चेंज करेंगे, पिक एंड ड्रॉप का फिक्सचर लगा देंगे। पिक एंड ड्रॉप की जगह जब हमें स्पोर्ट वेल्डिंग यूज़ करना है तो स्पोर्ट वेल्डिंग को यहाँ माउंट कर देंगे। अब मैं आपको इसकी मूवमेंट दिखाता हूँ। ये टीच पेंडेंट है इसका। यहाँ पे डेडमैन स्विच दे रखे होते हैं दो, जो हमारे रोबोट में ब्रेक रिलीज करने का काम करते हैं। इनको नॉर्मली प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और रीसेट प्रेस करना है। आपका यहाँ से रेड अलार्म चला जाएगा, मतलब अब आपका अभी देखो रेड अलार्म आ जाएगा यहाँ पे। ये अलार्म यहाँ पे बताता भी है डेडमैन स्विच रिलीज्ड। आप जैसे ही उसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, रीसेट करेंगे, आपका अलार्म रिमूव हो जाएगा। अलार्म रिमूव होने के बाद अब इसकी हम मूवमेंट कर सकते हैं। J1 प्रेस कर रहा हूं तो जॉइंट 1 मूव हो रहा है। J2 प्रेस कर रहा हूं तो जॉइंट 2 चल रहा है। J3 प्रेस कर रहा हूं तो जॉइंट 3 चल रहा है। J4 प्रेस कर रहा हूं तो J4 चल रहा है। J5 प्रेस कर रहा हूं तो J5 वर्किंग कर रहा है, मतलब फिफ्थ एक्सिस। और J6 मूव कर रहा हूं तो J6 मूव कर रहा है। ये हमारा फानुक 6 एक्सिस रोबोट है। आपने मूवमेंट देखी इसकी सारी। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है ये, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम और टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यू जॉइंट कोऑर्डिनेट मैंने जैसे अभी आपको मूवमेंट करके दिखाई, पर्टिकुलर एक एक एक्सिस आपकी वर्क कर रही थी सिंगल टाइम में। यूजर में क्या करता है, आपका 2-3 एक्सिस एक साथ मूव करती हैं, एक लीनियर एक्सिस में मूवमेंट करता है, और टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगुलर मूवमेंट करता है। जो आपका ये टिप होती है इसकी, ये एंगल क्रिएट करती है 45 डिग्री, 135 डिग्री। मतलब जब एक्सिस मूवमेंट करेगी तो 45 डिग्री की तरह मूव करेगी और 135 में मूव करेगी। और अगर हम यूजर में चलाते हैं तो लीनियर, और राइट हैंड थंब रूल पे वर्क करता है ये, XYZ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे।